पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, आप देख सकते हो। देखो मैंने रात में गया, ऐसा कंबल ओढ़ा था भाई साहब, देख लो कंबल ओढ़े थे फिर भी ठंडी लग रही थी। तो आज मैं रजाई लेके ओढ़ने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली आज उत्तराखंड को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और चल रहे हैं स्टेशन के लिए। गाड़ी हमने बुक कर ली है। ये रहा उधम सिंह नगर का मोहल्ला। तो ये था उधम सिंह नगर का मोहल्ला और अभी हम जा रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए। ऑटो करेंगे तो जाएंगे कौन से जगह स्टेशन है यार, लाल कुआं। तो लाल कुआं से हमारी गाड़ी है गरीब रथ जम्मू के लिए, तो वो मिलेगी 7 बजे हमें और 7 बजे वहाँ पकड़ूँगा फिर जम्मू के लिए। पूरी एसी बोगी है और बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है यार। आई होप सब कुछ बढ़िया रहेगा। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और ये है लाल कुआं रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा। चलते हैं एक नंबर पे हमारी गाड़ी आएगी शाम 7 बजे। तो ये है एक नंबर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों अभी हमें लगभग 43 मिनट और वेट करना है अपनी गाड़ी का। ये सामने देख सकते हो आप पेट्रोल की पूरी गाड़ी लगी हुई है, ये सारे पेट्रोल के डब्बे हैं देख रहे हो। तो दोस्तों गाड़ी आने में हमारे भी 20 मिनट और रह गए हैं और वेट कर रहा हूँ मैं यहीं पर स्टेशन पे बैठ के, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। बस जाते जाते एक चीज़ का अफसोस हो रहा है कि यार नैनीताल यहाँ से पता है 50 किलोमीटर दूर है अभी मैं जहाँ पर हूँ लाल कुआं से। तो भाई साहब गाड़ी आ चुकी है छुक छुक हमारी। तो चलो भाई आ गया हूँ अपनी बोगी में। G7 मेरा नंबर है और सीट नंबर है 42। तो चल के बैठते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। पूरी AC है और सफ़र काफ़ी अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। तो गाड़ी हमारी चल रही है ये लाल कुआं स्टेशन। तो ये है हमारी बोगी और मेरी सीट ये ऊपर वाली है लेकिन ये भाई साहब की नीचे वाली बीच वाली, तो बीच वाली मैंने ले ली और ऊपर ये बैठे हुए हैं। तो चलो रात में इधर सोएंगे इंशाल्लाह। बाकी यार देख लो डब्बा बहुत साफ़ है, क्लीनिंग बहुत है। तो साथियों ये गाड़ी है जम्मू तवी गरीब रथ एक्सप्रेस और ये चलती है काठ गोदाम से जम्मू तवी तक की और ये फुल पूरी गाड़ी AC है और इसमें सीटर भी हैं कुछ डब्बे, बाकी तो पूरी स्लीपर ही है। तो AC है और बहुत मस्त गाड़ी है, बहुत अच्छी है। तो जर्नी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना। बाकी मिलेंगे आपसे कल सुबह मॉर्निंग में जब हम पहुँच जाएँगे जम्मू, तो सुबह 9:30-10 बजे तक का करीब पहुँच जाएँगे। मिलेंगे सुबह आपसे। बाकी के लिए जब से शब्बा खैर। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं पठानकोट और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। तो दोस्तों जी ये गाड़ी है ना काठ गोदाम से जो जम्मू तवी तक ले जाती है, ये आती है काठ गोदाम से हफ्ते में एक ही दिन यानी मंगल के दिन ही सिर्फ चलती है। तो मुझे इसका टिकट जो पड़ा था वो 1100 रुपये पड़े थे और फेर के मैंने तत्काल में निकाला था किच्छा से ही, तो तत्काल में मिल जाता है। तो बहुत पुरसकून सफ़र रहा अभी तक का। तो अब एक ही स्टेशन लास्ट जम्मू तवी ही रह गया है। तो इंशाल्लाह पहुँच के मिलते हैं आपसे जम्मू तवी स्टेशन पर। जम्मू तवी आ गए स्टेशन पे और अभी चलते हैं बाहर और फिर चलेंगे नाश्ता वगैरह करेंगे। तो ये थी गरीब रथ जम्मू तवी स्टेशन पे आ गए हैं। चलो भाई सब बाहर आ गया हूँ स्टेशन के और पूरे 3 महीनों के बाद वापस से आया हूँ जम्मू तवी स्टेशन पे। और पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो काफ़ी चेकिंग वकिंग हो रही थी, कोविड टेस्ट वगैरह हो रहा था, अब की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों स्टेशन से अब हमें जाना है जहाँ से पुंछ के लिए जो बस जाती है वो स्टैंड पे जाना है और ये है यहाँ का बस स्टैंड। यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे दूसरे बस स्टैंड पे जो पुंछ के लिए जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो भाई साहब ये पूरी है यहाँ जम्मू की बस स्टैंड लोकल और देख सकते हो आप
बस स्टैंड पे पहुँचते ही इतना छीनम छान करते हैं ना भाई सवारी के लिए कि कुछ हद नहीं। चलते हैं पहले नाश्ता करेंगे यार। आपके पीछे जो हमारे देख रहे हैं ना खंडर सा, यही है यहाँ का लोकल बस स्टैंड। वहाँ पर बहुत खंजड़ बस स्टैंड है भाई, और मुझे मिलेगी पुंछ की बस बाहर चल के। है बैठने को जगह है? क्या करें, बना दो एक अंडा पाव। अगर कोई और अच्छी दुकान दिखी नहीं रही है तो यहीं पर अंडा पाव खा लेते, उसके बाद जाएंगे बाहर, फिर बस पकड़ेंगे। बाहर ही मिलेगी ना पुंछ की बस? इधर से मिल जाएगी। इधर से? अच्छा, तो आप जल्दी से लगा दो फिर। तो भाई साहब आ गया ये हमारा ब्रेड और अंडा, तो अभी इसको खाते हैं फिर चलेंगे। बस मिल गई है माशाल्लाह। और कितना टाइम लगेगा? कितने देर पहुँचेंगे? 7-8 घंटे। अरे बहुत, तो भाई साहब 7-8 घंटे लगने वाले हैं पहुंचने में। शाम को पहुंचेंगे अराउंड 6 मगरिब के वक्त, है नहीं? जी जी, मगरिब के वक्त पहुँचेंगे भाई साहब। मधुबनी पहुंच गए, रुके हुए मधुबनी। तो ये रास्ता आ रहा है जम्मू से, और ये है पूरा मधुबनी सिटी, आप इधर देख सकते हैं। और हमारी बस ये है सामने रुकी है, और हमें कंटिन्यू हो गए लगभग 3.5 घंटा हो गए सफ़र करते हुए, और अभी भी कम से कम 3.5 घंटा और लगेंगे सुरनकोट पहुंचने में। ऐसा धूप बहुत तेज़ है यार यहाँ भी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पहुंच के देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पर मौसम। अभी तक का तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तगड़ी धूप है, ख़तरनाक वाली। पहुंचने में भी अभी 2-3 घंटे लगेंगे। ये देखो मेरे पीछे है ये मधुबनी सिटी पूरा। ये देखो चश्मे का पानी। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं राजौरी सिटी के बाहर, खड़े हैं गाड़ी, और टाइम हो रहा है 3:30 दोपहर के। गाड़ी कहीं रुकी भी नहीं यार खाने वीने खाने के लिए, तो कुछ खाया पिया भी नहीं, बहुत टाइम लग गया पहुँचने में। ये है पूरी राजौरी सिटी, देख सकते हो पहाड़ों पर जितने भी घर हैं, और नीचे पूरी मार्केट है, ऊपर पहाड़ों पे एक किला है एक, और हमें इस तरफ पहाड़ों की तरफ जाना है इस तरफ। अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे यहाँ से भी। तो हिंदुस्तान से कहीं से भी आप ट्रेन के ज़रिए या फ्लाइट के ज़रिए जम्मू तक आ जाएं, इतना भारी नहीं पड़ता, चाहे ट्रेन से ही हो क्यों ना हो, लेकिन यार जम्मू से इधर आते वक्त बहुत भारी पड़ता है। 8 घंटे लगते हैं, 10:30 बजे निकले थे उधर से, अभी ऑलरेडी 3:30, 5 घंटे हो गए, और अभी भी 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों फाइनली राजौरी के बाद कोई ढाबे पर रुके हुए हैं, और अब जा रहे हैं खाना खाने। तो दाल चावल मंगाया है मैंने, सादा मिक्स दाल है और सब्ज़ी, ऊपर से चावल, तो खा लेते हैं यार क्योंकि भूख भी लगी है, सुबह से नाश्ता करके हूँ, और 4 बज गए, बस वाले भाई साहब ने लेट रोका। चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, पहुँचते पहुँचते तो इसे भी टाइम होना है। ये है वो ढाबा, सामने बस खड़ी है और इधर मैं बैठा हूँ। दोस्तों ये है पूरी खाने की थाल, दाल चावल सब्ज़ी, और इधर प्याज है चटनी। चलो फिर खा लेते हैं, फिर उसके बाद में मिलेंगे आपसे, पूरा शाकाहारी खाना सादा। खाना तो भाई एक नंबर है, बिल्कुल घर के जैसा। दाल मिक्स है और राजमा भी इसमें है,
सब्जी है, चटनी है, प्याज है। बस तैयार हो गई, चालू हो गई, खाना वीना खा लिया और अब यहाँ से निकलते हैं। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे सुरनकोट। तो साथियों पहुँच चुके हैं जड़ा वाली गली। पिछले 7 घंटों से हम कंटिन्यू पहाड़ों पर ही चढ़ रहे हैं। दोस्तों सुरनकोट बाईपास पे पहुंच चुके हैं और ये रही बस, ये चली जाएगी पुंछ। यहाँ से मार्केट जो है ना, जहाँ से गाड़ी मिलती है बफलियाज के लिए या दराबा के लिए, तो यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। तो इस वजह से मैं बैग ये रहा मेरा, तो हम यहीं पर वेट करते हैं उनका, हजरत आ जाए फिर उनके साथ में जाएँगे। भाई साहब पहुँचते ही देख लो कश्मीरी चाय मिल गई। तो दोस्तों सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग, एक और सुबह आप लोगों को मुबारक हो। और रात में मैं पहुंचा था इधर वही मग़रिब के वक़्त। यार जब मैं मग़रिब के बाद इधर पहुंचा ना, तो मग़रिब से लेकर के लगभग 10 बजे तक का यहाँ पर एक महफ़िल कायम हो गई थी, मतलब तालीमी एतबार से जो इफ्तिताह हुआ था। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये जो रूम है पूरा वुडन है, यानी लकड़ी का पूरा बनाया गया है प्लाई का। तो काफ़ी ठंडा है यार, बहुत ही मौसम कैसा, हमारे लोग के इधर इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, आप देख सकते हो। देखो मैंने रात में गया ऐसा कंबल ओढ़ा था भाई साहब, देख लो कंबल ओढ़े थे फिर भी ठंडी लग रही थी। तो आज मैं रज़ाई लेके ओढ़ने वाला हूँ और देख सकते हो। और ये देखो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ हरियाली हो गई है माशाल्लाह। तो जब मैं आया ना, तो फिर उसके बाद से कोई वीडियो नहीं बना पाया ना, कोई चीज़ आपको अपडेट दे पाई। बस यही वजह से कि आते ही पूरी मसरूफियत शुरू हो गई थी, तो इस वजह से कोई अपडेट नहीं दे पाया। देख सकते हो मैं सुबह सुबह उठा तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक लग रही थी, तो मैंने गर्म टोपी लगा ली है और यह टी शर्ट पहनी है तो भी ठंडक ही लग रही है। और अभी मुझे फ्रेश होना था, नहाना था, पानी में छुआ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो अब मैं नहाऊँगा दोपहर को जब धूप वूप निकल जाएगी। बाकी ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और इंशाल्लाह अब तो वापस से कश्मीर में आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह इधर की जो भी खूबसूरत चीज़ें रहेंगी आपको दिखाता रहूँगा और आप हमारा सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहें, खुशहाल रहें, लोगों में खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।